आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल मालपुआ और रबड़ी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मालपुआ का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं मैदा 1 कप, जो कि 250 ग्राम है, चीनी 1/3 कप और रवा 1/4 कप, 1 टीस्पून सौंफ, 5 काजू और 5 बादाम लिया है, और 1 केला, और 1 से 1.5 कप मैंने दूध लिया है बैटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले सौंफ, काजू और बादाम तीनों को हम चॉपर में डाल के उसे क्रश कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रश करके इसको रख लेते हैं। फिर हम इधर मैदा, रवा, चीनी और जो हम ड्राई फ्रूट्स और सौंफ को क्रश किए थे उसको उसको भी हम इस मैदे के मिक्सचर में मिक्स कर देते हैं। फिर हम केला को छील के उसको हम मैश कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो केला है वो हमें 2 टेबल स्पून मैश किया हुआ ही डालना है इस में, तो क्योंकि ज्यादा केला डालने से क्या होगा कि जो बैटर जो है वो तेल में जब हम डालेंगे तो वो फैलने लगेगा, इसीलिए हम 2 टेबल स्पून मैश किया हुआ केला डालते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर जो हम दूध 1 से 1.5 कप लिए थे उससे हम बैटर बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध को इसके मिक्सचर में मिक्स करना है और फिर इसका स्मूथ बैटर बनाना है। बैटर थोड़ा सा पतला ही बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा भी थिक बैटर रहेगा तो जब हम मालपुआ बनाएंगे और उस बैटर को जब हम तेल में डालेंगे तो उस समय जो बैटर है तेल में चिपकने लगेगा, इसीलिए थोड़ा बैटर को पतला ही रखना चाहिए। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम पहले रबड़ी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम 1 लीटर दूध लिए हैं, ब्रेड क्रम्स जो कि मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, और 1/4 कप मैंने चीनी लिया है, 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर, और 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम दोनों मिक्स करके लिए हैं। फिर हम एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में ही हम दूध को डाल देते हैं और दूध को बॉयल करते हैं। तो इस कढ़ाई मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कढ़ाई का जो पैन है वो थोड़ा चौड़ा होता है और दूध को जलाना है। दूध को सबसे पहले हमें बॉयल करना है, तो बॉयल करने के लिए हम फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब आप फ्लेम हाई रखते हैं गैस का तो आप वहीं पे खड़े रहिए, नहीं तो दूध आपको खोजने के लिए पतीले से बाहर निकल के इधर उधर जाने लगेगा। जस्ट चुक, दूध बॉयल हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देते हैं और हम इसको धीरे धीरे जलाते हैं, और जब साइड में दूध चिपकता है उसको भी हम धीरे धीरे साइड से निकालते हुए हम उसको दूध को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही दूध को धीरे धीरे जलाएंगे और दूध को हमें आधा करना है। जब दूध आधा हो जाए तब हम इसमें थोड़ा जो ब्रेड क्रम्स मैंने 4 टेबल स्पून लिया है 1 कप में, तो उसको हमें इसमें मिक्स करना है। तो हम ये जो ब्रेड क्रम्स है इसको हम मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने 1 ब्रेड से घर पे ही बनाए हैं, और ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत इजी होता है, तो ये घर पे इजीली बन जाता है, तो इसे आप घर पे ही बनाइए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए धीरे धीरे दूध जल रहा है। अब क्या करेंगे, उसमें जो मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर का जो फ्लेवर होता है रबड़ी में बहुत अच्छा होता है। दूध अच्छे से जल गया है, अब जो ड्राई फ्रूट्स है उसको हम मिक्स करेंगे, और जो साइड में दूध है उसको भी हम धीरे धीरे हम निकालते रहेंगे, और फिर लास्ट में हमें चीनी मिलाना है। चीनी मिला के उसको धीरे धीरे चलाना है, और देखिए हमारी रबड़ी जो है एकदम गाढ़ी हो गई है और लगभग बन के तैयार है। और चीनी डालने के बाद हमें सिर्फ 2 मिनट ही चलाना है, फिर देखिए हमारा रबड़ी तैयार हो गया। रबड़ी को लगभग 1 घंटा लगता है बनाने में। इधर 2 घंटा हो चुका है, बैटर तैयार हो गया है हमारा मालपुआ के लिए। तो हम उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं बैटर को, और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल यही रखना है। और हम इधर गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, ठंडा तेल में बिल्कुल नहीं डालना है, एकदम अच्छे से जब गर्म हो जाए तभी हमें बैटर उसमें डालना है। तेल को गर्म करने के लिए पहले गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि मालपुआ हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है। जब गैस का फ्लेम हम यदि हाई रखेंगे तो मालपुआ जो है ऊपर से तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा, अच्छे से पकेगा नहीं, तो इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है।
बातों ही बातों में हमारा एक मालपुआ तैयार हो गया। अब इसका हम तेल अच्छे से निकाल लेते हैं और इसको प्लेट में रख लेते हैं। ऐसे ही फिर हम कलछी से मालपुआ का बैटर तेल में डालते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब मालपुआ फूलने लगता है तो फिर हम उसको पलट देते हैं। देखिए एकदम पूड़ी की तरह पूरा फूल गया है। फिर हम उसको पलट के ऐसे ही पलटते हुए हम जब हल्का लाल हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हमें सारे मालपुए बनाने हैं। हमारे घर में होली में मालपुआ ही बनता है, ये हमारा स्पेशल फूड है होली में और ये बनता ही है। तो जो है हम लोग मालपुआ दो तरीके से बनाते हैं, एक इस तरीके से और एक जो है चीनी के चाशनी में डाल के बनाते हैं, जिसको हम रस पुआ बोलते हैं। रस पुआ भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन ये वाली जो मालपुआ है वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि हम इसमें चीनी जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो इसीलिए ये मुझे बहुत पसंद है। तो जनरली हम घर में यही वाला मालपुआ होली में बनाते हैं। तो लीजिए हमारी मालपुआ और रबड़ी की रेसिपी तैयार है। तो दोस्तों एक बार घर पे इस तरह से मालपुआ बना के जरूर देखिए, और कैसी लगी आपको कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।